स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टेटा में। दोस्तों डिफेंस सेक्टर के अंदर लगातार जितनी भी कंपनीज हैं उन्होंने काफी जबरदस्त रिटर्न दिया है। यही वजह है कि डिफेंस सेक्टर के जो म्यूचुअल फंड्स प्लान हैं उन्होंने भी काफी जबरदस्त रिटर्न दिया है। इसमें दो फंड रखते हैं, एक फंड आ चुका है, एक सालों से हो चुका है और दूसरा फंड अभी आने वाला है डिफेंस सेक्टर का। लेकिन दोस्तों जो फंड आ चुका है उसका जो रिटर्न है वो काफी जबरदस्त रहा है। लेकिन अभी एक और जो फंड आने वाला है दोस्तों उसके अंदर ज्यादातर लोग पैसे को निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि डिफेंस सेक्टर के अंदर पिछले एक डेढ़ साल से लगातार काफी अच्छी ग्रोथ रही है और लोगों का ये मानना भी है कि यहाँ से भी इन कंपनियों में आपको एक प्रॉफिट मिल सकता है, जिसका फायदा म्यूचुअल फंड में आप पैसे को निवेश करके उठा सकते हैं। लेकिन क्या आपको म्यूचुअल फंड के अंदर जब टॉप लेवल पर मार्केट हो तो निवेश करना चाहिए लमसम, या फिर अभी आप डिफेंस सेक्टर के किसी एनएफओ में पैसे को निवेश करना चाहते हैं? क्योंकि जो फंड डिफेंस सेक्टर का एचडीएफसी का आ चुका है उसका रिटर्न तो काफी ज्यादा हो चुका है और फंड ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। लेकिन अभी जो एनएफओ आने वाला है उसमें आपको 10 रुपए के प्राइस से यूनिट मिल सकते हैं। तो क्या आपको लमसम पैसा निवेश करना है तो आप पुराने एचडीएफसी के फंड में निवेश करेंगे, या फिर अभी जो एनएफओ आने वाला है उसके अंदर आप पैसे को निवेश कर सकते हैं? क्योंकि जब भी हम म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे को निवेश करते हैं तो हम ये जरूर सोचते हैं कि यहाँ पर हम जो पैसा निवेश कर रहे हैं अभी उसे निवेश करना चाहिए या फिर मार्केट के करेक्शन का वेट करना चाहिए, या फिर अगर हम एनएफओ के जरिए पैसे को निवेश करना चाहते हैं तब भी हम ये जरूर सोचते हैं कि इस एनएफओ में क्या आने वाले टाइम में एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, क्योंकि पहले ही इन स्टॉकों ने इतनी अच्छी ग्रोथ दे दी है। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आपका टारगेट 5-6 साल या फिर 10 साल पैसे निवेश करने का है तो फिर आप किसी भी करेक्शन का वेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने पैसे को आज भी निवेश कर सकते हैं। आज हम दो फंड है डिफरेंस सेक्टर के, इनकी बात करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों ही प्लान के अंदर अभी जो रिटर्न है इनके बेंचमार्क इंडेक्स का उससे भी कम रिटर्न अगर आपको मिलता है और आप यहाँ पर ज्यादा नहीं सिर्फ 38,000 रुपए का निवेश करते हैं तो क्या यहाँ पर आप इस फंड से 1 या 2 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों दो जिन फंड की हम बात करने वाले हैं उसमें पहला फंड है हमारे पास HDFC का डिफरेंस फंड। दोस्तों इस फंड को 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अगर हम 1 साल के रिटर्न की बात करें तो फंड ने अब तक रिटर्न 128% दिया है। लेकिन अगर हम 1 साल की बात करें तो रिटर्न 136% है और 6 महीने में इस फंड ने 61% से ज्यादा रिटर्न दिया है और 1 महीने में भी फंड का रिटर्न काफी बढ़िया 12.5% के आसपास है। इसी तरह दोस्तों सेकंड फंड जो अभी आने वाला है एनएफओ डिफरेंस सेक्टर का, वो दोस्तों है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी इंडिया डिफरेंस इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों इस एनएफओ में आप 13 जून से लेकर 28 जून तक पैसे को निवेश कर सकते हैं, यानी अभी आपके पास 6-7 दिन है इस फंड में एनएफओ के जरिए पैसे निवेश करने के लिए। यहाँ पर 27 जून तक इसका एनएफओ एंड हो जाएगा और 28 जून को आपको यूनिट मिल जाएंगी। अभी एनएफओ का प्राइस इसमें 10 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इन दोनों ही फंड के अंदर अगर हम पहले पोर्टफोलियो चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह इंडेक्स फंड डिफरेंस सेक्टर का और दूसरा था डिफरेंस सेक्टर का HDFC का फंड। लेकिन अगर हम सबसे पहले अपने HDFC डिफरेंस फंड के पोर्टफोलियो की बात करें तो ये जानना हमारे लिए काफी जरूरी है, ताकि हम ये देख सकें यहाँ पर डिफेंस सेक्टर की कौन सी कंपनी शामिल है पोर्टफोलियो में जिन्होंने ग्रोथ काफी अच्छी दी है और क्या आने वाले टाइम में भी इस पोर्टफोलियो में इतना दम नजर आता है कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। तो एक बार पोर्टफोलियो पर भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों तो ये है होल्डिंग, यहाँ पर कुल मिलाकर 21 डिफेंस सेक्टर की ये कंपनी है जिनके अंदर पैसे को निवेश किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा जो पैसा है फंड का वो निवेश किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अंदर। दोस्तों ये ऐसी कंपनी है डिफेंस सेक्टर की जिसने पिछले 2 साल के अंदर जो रिटर्न है वो काफी जबरदस्त दिया है। लेकिन अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो इस स्टॉक का जो रिटर्न है वो 1000% के आसपास है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कंपनी ने कितना कमाल का रिटर्न दिया है और अभी भी इसके अंदर आपको एक बेहतरीन ग्रोथ मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्ट्रल माइक्रो, प्रीमियम एक्सप्लोसिव, सोलर इंडस्ट्री, PML इंडिया, एमटार टेक्नोलॉजी, CN, लार्सन & टुब्रो, इंटरग्लोब एविएशन, यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर ये ऐसी डिफरेंस सेक्टर की कंपनीज हैं जिन्होंने लगातार काफी अच्छी ग्रोथ दी है और आने वाले टाइम में भी आपको यहाँ पर एक बेहतरीन ग्रोथ मिल सकती है, जिसका फायदा आप इस म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करके उठा सकते हैं। इसी तरह अगर हम मोतीलाल ओसवाल के इंडेक्स फंड की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों इंडेक्स में कुल मिलाकर जो कंपनीज हैं वो करीब 30 कंपनी हैं डिफरेंस इंडेक्स के अंदर और दोस्तों इस इंडेक्स ने भी रिटर्न
करीब 70% के आसपास दिया है एक साल के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर इस फंड के अंदर भी आपको आने वाले टाइम में एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। तो यहाँ पर अभी आपको जो यूनिट है वो कम प्राइस के हिसाब से मिल जाएगी, जबकि अगर हम बात करते हैं HDFC के NAV के प्राइस का, तो इस फंड के NAV का 23.93 रुपीज का। फंड साइज की बात करें तो 3,232 करोड़ रुपए का फंड साइज है। फंड के अंदर लमसम में आप 5,000 रुपए तक निवेश कर सकते हैं और SIP के थ्रू। जबकि दोस्तों अगर हम बात करते हैं HDFC के डिफेंस फंड की, तो सेक्टर वाइज म्यूचुअल फंड्स में इस फंड में सबसे ज्यादा पैसा कैपिटल गुड्स के अंदर निवेश किया गया है। इसके अलावा केमिकल सेक्टर, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, अदर सेक्टर के स्टॉक, यानी कि यहाँ पर पोर्टफोलियो काफी स्ट्रॉन्ग है जिस सेक्टरों में पैसे को निवेश किया गया है। लेकिन दोस्तों इस प्लान के अंदर अगर आप 38,000 रुपए निवेश करते हैं और यहाँ पर आपको 26% का रिटर्न मिल जाता है। वैसे रिटर्न अभी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम कम से कम 26% रिटर्न की बात कर रहे हैं। अगर आप दोस्तों यहाँ पर 6 साल के लिए इस पैसे को निवेश करते हैं, तो इससे आप 38,000 से 152,000 रुपए का फंड बनाएंगे। इसमें 114,000 का रिटर्न होगा। लेकिन अगर आप निवेश करते हैं 12 साल के लिए, तो 38,000 का निवेश करके आप 608,000 रुपए का फंड बनाएंगे, 570,000 का रिटर्न होगा। लेकिन अगर आप निवेश करते हैं यहाँ पर 18 साल के लिए, तो 38,000 निवेश करके आप 24,34,000 रुपए का फंड बनाएंगे, इसमें 23,96,000 का रिटर्न होगा। दोस्तों अगर आप 24 साल तक पैसे को निवेश करते हैं, तो 38,000 का निवेश करके आप 97,42,000 रुपए का फंड बनाएंगे, इसमें 97,04,000 का रिटर्न होगा। और दोस्तों अगर आप 30 साल तक इस 38,000 रुपए को निवेश कर देते हैं, तो यहां से आप 3,89,00,000 रुपए तक फंड बना सकते हैं, इसमें 3,89,00,000 रुपए का रिटर्न होगा। तो दोस्तों आपको ये दो बेहतरीन फंड मिलते हैं। इसमें एक पहला फंड है HDFC का डिफेंस फंड जो अभी आ चुका है, और दूसरा जिस फंड में आप NFO के जरिए पैसे निवेश कर सकते हैं, यह है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी इंडिया डिफरेंस फंड। तो दोस्तों दोनों ही फंड काफी बेहतरीन है। अगर आप पैसे को निवेश करना चाहते हैं, तो इन दोनों प्लान के अंदर पैसे को निवेश करके आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, तो आप जरूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।